नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमा जाजू स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और गत 32 ईयर्स से इस फील्ड में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे PCOS दैट इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर एंड वेट लॉस के बारे में। PCOS एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि बहुत कॉमन है। आजकल इंडिया में 5 में से एक महिला या लड़की इस डिसऑर्डर से प्रभावित है। इसमें हार्मोनल डिसऑर्डर में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बढ़ जाते हैं, जिससे महिला या लड़की में मोटापा हो सकता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती है, मासिक धर्म की गड़बड़ी हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, मेल पैटर्न का हेयर ग्रोथ जैसे चिन पे, अपर लिप पे, चीक्स पे, एब्डोमेन पे, चेस्ट पे बालों का आना, साथ में इनफर्टिलिटी हो सकती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं जैसे स्ट्रेस एंजाइटी डिसऑर्डर। PCOS दो तरह के होते हैं, एक लीन PCOS और दूसरा ओबीस PCOS। ऑलमोस्ट 70-80% जो PCOS पेशेंट रहते हैं वो ओबीस होते हैं। ओबीस PCOS में धीरे धीरे वेट बढ़ता जाता है और वेट को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है, और साथ में पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स नहीं आते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर और बढ़ता है और साथ में मोटापा भी बढ़ता है। तो मोटापा हम PCOS में कैसे कम करें और इसके क्या फ़ायदे हैं? यदि आपको एक फ़ायदे मालूम है तो आप खुद मोटिवेटेड रहेंगे और वेट कम करने के लिए लगे रहेंगे। वेट कम करने से यदि इवन आप 10% वेट कम करते हैं अपना, तो आपके माहवारी चक्र सही समय पे आने लगता है। धीरे धीरे आपके जो PCOS के सिम्टम्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो मेल हार्मोन है, इंसुलिन का जो लेवल है, ये दोनों कम होने लगते हैं, तो आपके सिम्टम्स भी कम होने लगते हैं। यदि आपको इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, तो आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं वेट कम करने से। आपका मिसकैरेज रेट भी कम हो सकता है, और यदि आप प्रेग्नेंट हो गए तो आगे आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, IUGR जिसमें कि बच्चा कमज़ोर होता है, राइट, ये सब भी कम हो सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद आपको वेट कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब वेट कम कैसे करें? तो अगेन, जितने भी मैंने वीडियो बनाए, हर में मैं कहती हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम लेते हैं डाइट। हमारी डाइट में हम क्या बदलाव करें जिससे कि हमारा वेट कम हो? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कार्बोहाइड्रेट, जो कि वेजिटेरियन डाइट में ऑलमोस्ट 60% रहता है, उसको कम करें। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है? चावल है, आलू है, रोटी है, जो फास्ट फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, आइसक्रीम है, कैंडीज हैं, पिज़्ज़ा है, पास्ताज है, बर्गर्स है, ये सब धीरे धीरे आप कम करें। दूसरा, हाई प्रोटीन डाइट लें। हाई प्रोटीन डाइट में क्या आता है? दालें हैं, अंडे हैं, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क और मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप ज़्यादा मात्रा में लें। फिर फाइबर की मात्रा अपने डाइट में बढ़ाएं। फाइबर किस में होते हैं? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में। कम से कम 25 ग्राम फाइबर पर डे हमारे डाइट में होना चाहिए। तो आप सलाद लें और साथ में फ्रूट्स लें। इसके बाद आप माइंडफुल ईटिंग करें, राइट। माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या होता है? अवेयर रहें कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कितने समय खा रहे हैं, ओके? यदि आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो नेचुरली आप कंट्रोल रहेंगे, कंट्रोल डाइट लेंगे और हमेशा अवेयर रहेंगे कि हाँ, मेरा ये प्रॉब्लम है PCOS और इसके लिए मुझे ये करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एंड ब्रिस्क वॉक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रिस्क वॉक में आप करीब धीरे धीरे बढ़ाइए और 4-5 किलोमीटर रोज़ घूमिए।
ऑलमोस्ट 120 मिनट्स पर वीक आपको वॉक करना चाहिए। एंड एक्सरसाइज में पहले मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा एरोबिक्स के लिए कहती हूँ, ताकि थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल जल्दी हो, और उसके बाद मैं पेशेंट को योग एंड प्राणायाम पे शिफ्ट कर देती हूँ। जो हार्मोनल बैलेंस रहता है उसको मेंटेन करने के लिए योग बहुत अच्छा है, और साथ में अपने मन को शांत रखने के लिए और हार्मोनल बैलेंस बना रहे इसके लिए प्राणायाम भी बहुत कारगर सिद्ध होता है, राइट? तो व्हेन यू नो कि मैं यदि वेट कम करती हूँ, जो कि डिफ़िकल्ट है पीसीओएस पेशेंट में, धीरे धीरे कुछ नहीं, 1 किलो आधा किलो हर महीने भी यदि आप कम करें, तो धीरे धीरे आपका पीसीओएस के जो सिम्टम्स हैं, पीसीओएस की जो प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म भी होती हैं, क्योंकि पीसीओएस बेसिकली डिजीज़ है गर्ल्स एंड रिप्रोडक्टिव एज की, मगर इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, मिड लाइफ एंड मीनोपॉज के बाद भी ये अफेक्ट करता है। क्या करता है? आप में कार्डियक डिजीज़, हार्ट डिजीज़ बढ़ाता है, साथ में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, यूट्राइन कैंसर, ये सब भी बढ़ाता है। तो इन सब को भी हम कम कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान रहे हैं कि वेट कम करना कितना इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें लग जाइए और निरंतर मोटिवेटेड रह के इसको करते रहिए। थैंक यू।